बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस अगेन। फ्रेंड्स, हमारे जो लार्जर कोर्सेज हैं और जो टाइम टेकन कोर्सेज हैं वो हमारे साइड बाय साइड चल रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन जो कुछ इंस्टेंट अर्निंग कोर्सेज हैं वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ और कुछ मोटिवेशनल वीडियोज़ भी अपलोड करती रहूँगी। सो आज हमने जो इंस्टेंट अर्निंग कोर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको वीडियो को बगैर स्किप किए देखने और एज इट इज़ करना है जैसे मैं करती जाऊँ। तो इस वीडियो के देखने के बाद इंशाल्लाह आप भी इस एबल हो जाएंगे कि आप भी अर्निंग कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द कोर्स अबाउट वॉइस ओवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं वॉइस ओवर होता क्या है। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी दूसरे मुल्क की वीडियो देखते हैं और हमारी अपनी लैंग्वेज एज अ बैकग्राउंड साउंड उसमें मौजूद होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में, तो इसे हम कहते हैं वॉइस ओवर। मतलब वीडियो उनके, लेकिन जो लैंग्वेज है, जो बोल चाल है, वो हमारी ही ज़बान में है। तो इस तरह से आप भी दूसरों की वीडियो पर अपनी वॉइस ओवर करके अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह से इस वे से अर्निंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने वॉइस ओवर वेबसाइट ऑन करनी है, वॉइस ओवर 123। आपने ये जस्ट सर्च करना है और आपके पास जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा वो बेस्ट है, वॉइस ओवर 123 वर्ल्ड्स वर्स्ट फर्स्ट वॉइस ओवर मार्केट प्लेस। सबसे पहले इसका रेट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉइस ओवर रेट्स, वॉइस ओवर रेट्स इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। चेकआउट फ्रेंड्स, किस पर कितना हमें मिल रहा है, कितने मिनट की आपकी वॉइस होनी चाहिए तो कितने आपको डॉलर्स मिलेंगे। यहाँ हम ये स्टैंडर्ड रेट्स भी चेकआउट कर लेते हैं। ये देखिए, आपको 2 मिनट्स में 100 to 499 डॉलर्स मिल रहे हैं। 2 to 5 मिनट अगर आप वॉइस ओवर करते हैं किसी की वीडियो पर तो 250 to 749 तक आपको डॉलर्स मिलते हैं। तो ये तो थे हमारे रेट्स। अब जस्ट इसको हम ओपन करते हैं, अपना जो बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए। ओपन इट एंड थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा नेट का इशू हो जाता है। तो ये आपके पास, जस्ट आप वहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब साइन इन, हम इसे साइन इन करना सीखेंगे कि साइन इन कैसे करते हैं। एंड देन ये दो हमारे किसी काम के नहीं हैं फ़िलहाल, तो इसे हम छोड़ देंगे। और ज्वाइन एज अ वॉइस एक्टर, यहाँ जस्ट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है एज अ वॉइस एक्टर व्हाट लैंग्वेजेस यू स्पीक फ्लुएंटली। एंड देन यहाँ पे हमने इसको लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है कि हम कौन कौन सी जो लैंग्वेज है वो अच्छे तरीके से बोल सकते हैं और फ्रिक्वेंटली बोल सकते हैं। सो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, 3 लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर ली हैं, पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी देर हो सकती है, मैं जब वीडियोस बना रही थी तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसकी वजह से कई बार वीडियो बनानी पड़ी। तो यहाँ पे आपने थोड़े से सब्र से काम लेना है, अगर एक बार नहीं होता तो थोड़ा वेट कर लें या फिर कुछ देर बाद इसे ओपन करें, सॉरी नेक्स्ट पर क्लिक करें, या फिर इसे बैक करके अगेन आपने सब कुछ एज इट इज़ करना है तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। ये तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे जो पास जो ऑप्शन है, हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ड जेंडर एंड एज डिस्क्रिप्शन मैच योर वॉइस एक्टिंग एबिलिटीज़। तो यहाँ से हमने जस्ट सेलेक्ट करना है, हमने एज अ बेबी वॉइस ओवर करनी है, चाइल्ड, मेल, टीनेजर या कुछ भी। यहाँ से मैं यहाँ जस्ट सेलेक्ट करती हूँ फीमेल यंग एडल्ट एंड देन जस्ट सिंपली आपने ओके कर देना। आपकी वॉइस किसी और के साथ मैच होती है तो बहुत सारे ऑप्शन भी सिलेक्ट करते कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है तो हमारे पास अगेन अनदर क्वेश्चन। यहाँ फ्रेंड्स, हमारे पास 10,000+ जॉब्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर यू रिकॉर्डिंग एबिलिटीज़ एंड ऑप्शंस फॉर द डिलीवरी, कि आप डिलीवरी जो है वो किस तरह करेंगे अपने वॉइस ओवर की। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, डिजिटल डिलीवरी से करना चाहते हैं या फिर रिमोट, लाइव डायरेक्शन या कुछ भी। यहाँ पर जो फ़ोन पैच है यहाँ से, एंड देन आपने जस्ट इसको सेलेक्ट नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि बिसाइड वॉइस एक्टिंग यानी कि वॉइस एक्टिंग के साथ साथ व्हाट एडिशनल सर्विसेज विल यू ऑफर, यानी कि एक और कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, म्यूज़िक को ऐड कर सकते हैं या फिर हम जो दूसरी जो यहाँ पे हमें दी गई हैं कॉपी राइट कॉपी कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, कुछ भी। तो हम जस्ट इन पंगों में नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे उन्हें स्किप करके। अब यहाँ आपने अपनी जो जी मेल अकाउंट है वो यहाँ राइट डाउन करना है, आप फेसबुक और गूगल लिंकडिन यहाँ इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं और जस्ट आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अब सो जी मेल राइट डाउन के बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ हमसे जस्ट पूछा जा रहा है हमारा फुल नेम क्या है, तो यहाँ मैं फुल नेम लिख देती हूँ, आप अपना फुल नेम यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग वगैरह है कि हाउ डिड यू फाइंड अस, कि आपने हमें किस तरह से फाइंड आउट किया। आपने यहाँ क्या लिखना है कि सोशल मीडिया, जाहिर है आप सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला है वॉइस ओवर, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब आपने यहाँ जस्ट सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम का भी ऑप्शन होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब आपके पास ये कुछ मैसेजेस शो होंगे, इनको जस्ट आपने कंटिन्यू करते रहना है और इसमें कोई दिमाग नहीं खपाना, मैंने पढ़ लिया है काफ़ी है, इसको जस्ट आप कंटिन्यू करते जाएं। ऑडिशन फॉर प्रोजेक्ट्स और किस तरह से आप इनवाइटेड हो सकते हैं, फ़लाँ फ़लाँ नेगोशिएशन एंड गेट हायर्ड, मतलब खुद से भी आप हायर कर सकते हैं, हम आपके बीच में नहीं आएंगे, ये वॉइस ओवर प्लेटफॉर्म कहता है। कुछ टिप्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनको जस्ट आपने कंटिन्यू करते जाना है एंड देन ये आपके पास प्रोफाइल कम्प्लीशन का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे है ऐड योर प्रोफाइल, टेल अदर्स मोर अबाउट यू और ये सब कुछ आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होगी और उसके बाद आप वॉइस ओवर कर सकेंगे, आपको जो है आपको जो प्रोजेक्ट एमुलेशन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे, प्लेलिस्ट मतलब कि हमने एक कुछ आइडिया थोड़ा सा देना है कि हम किस तरह वॉइस ओवर करते हैं, यहाँ एक डेमो देना है, तो इसको जस्ट ओके करेंगे, ऐड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ हमें अबाउट योर प्लेलिस्ट, यहाँ हमने अपने प्लेलिस्ट का जो है वो नाम लिख देना है और सेव प्लेलिस्ट, सॉरी यहाँ हम ऐड सैंपल करेंगे अपनी जो वॉइसेस हैं, जिस तरह की वॉइसेस हम कर सकते हैं और ये अबाउट योर सैंपल। अब यहाँ पे हम इसको अगेन यहाँ नाम लिख देते हैं अपने जो हमने सेलेक्ट यहाँ करनी है, पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कोई सी भी वॉइस जो कि आपने एज ए सैंपल भेजनी है, तो ये सैंपल हमारा है कि इस तरह से हम वॉइस ओवर करते हैं, जिसको भी पसंद आएगी वो आपकी आपको अपना प्रोजेक्ट दे देगा। यहाँ इसका जो सैंपल का नाम है वो यहाँ लिख देना है एंड देन इसको नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ये ऑलरेडी हमने कर लिए थे लेकिन कुछ अगर रह गए हैं तो यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी यहाँ लैंग्वेज उर्दू है तो हम उर्दू ही लिखेंगे और जो यहाँ जेंडर है वो हमने पहले सेलेक्ट कर लिया था फीमेल। और यहाँ से अब आपने ऐड सैंपल करना है कि आप किस में वॉइस ओवर कर सकते हैं, यहाँ ऑडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, एनिमेशन, ऑडियो बुक, एडवर्टाइजमेंट, डॉक्यूमेंट्री, फ़ोन फोटो सॉरी फ़ोन सिस्टम और ये सब कुछ मौजूद है, इवन के गेमिंग के ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि गेमिंग पर भी आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, जिन्हें गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है वो वॉइस ओवर कर सकते हैं गेम्स पर भी, और मूवीज़ वगैरह टीवी शो इन सब में आप कर सकते हैं वॉइस ओवर। एंड देन आपने जस्ट इसको सेव सैंपल कर देना है, आप सब भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर सब में कर सकते हैं तो, लेकिन यह है कि कुछ सिलेक्ट किए हैं जिस पर आप मतलब मुकम्मल अबूर हासिल हो आपको। यहाँ हम एक के साथ हम दूसरा सैंपल भी ऐड कर सकते हैं एंड देन हम इसको सेव प्लेलिस्ट कर देंगे, हमारे जो सैंपल हैं वो यहाँ सेव हो जाएंगे, जितने भी सैंपल ज़्यादा सैंपल होंगे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको कोई अपना प्रोजेक्ट दे दे। नेक्स्ट है अबाउट, अब अपने बारे में कुछ हम यहाँ पुट आउट कर देते हैं। सबसे पहले अबाउट यू में क्या करना है, अपने प्रोफाइल पिक्चर, अपनी जो पिक्चर है वो यहाँ इंसर्ट करनी है जो कि आई थिंक 450 पिक्सल होनी चाहिए, 4-sided या फिर 14 MB से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। इसको हम जस्ट ओपन करते हैं, यहाँ पिक्स जो है वो इंसर्ट करते हैं पिक, जब तक पिक इंसर्ट होती है हम थोड़ा और डाटा एंटर कर लेते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था पहले योर प्रोफेशनल
हेडलाइंस, यहाँ जस्ट आपने लिखना है कि आई एम प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट। अब नेक्स्ट है कि टेल अदर अबाउट यू, के आप कुछ और मज़ीद बताएं अपने बारे में दूसरों को। हाय आई एम मनाहिल, आपने जस्ट लिख देना है, अपना नाम लिख देना है और कहना है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और इतने साल का एक्सपीरियंस है, जस्ट आपने इतना ही लिखना है। या कुछ भी आप इससे बेटर अगर लिख सकते हैं तो वो लिख सकते हैं। आई हैव फाइव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप अपना अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से वॉइस ओवर कर सकते हैं या आप कैसे वॉइस ओवर हैं और आपका एक्सपीरियंस कितना है। अब नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन आप अपने आपने अपना सिटी लिखना है और अपना जो है कंट्री लिखना है। नेक्स्ट वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब के एड्रेसेस लिख देने हैं, तब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी 100%। इसको सेव कर देना है, मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि मुझे नीड नहीं है, आपको आप यहाँ लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि सर्विसेज, स्किल्स एंड सर्विसेज, मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ नीचे। एडिट, यहाँ ये जो एडिट ये पेंसिल बनी हुई, यहाँ से एडिशन होती है, एडिट के ऑप्शन में जाते हैं एंड देन हमने लैंग्वेजेस ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं हमारी, और नीचे इन सबको बाकी को छोड़ देना है आपने। ये फीमेल यंग एडल्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम ये पहले कर चुके हैं, अगर शुरू में आप नहीं करते तो यहाँ भी कर सकते हैं, फाइल अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है कि एक्सपीरियंस लिखना है, ट्रेनिंग यानी इक्विपमेंट अगर है तो एक्सपीरियंस तो मस्ट लिखना है आपने। कुछ भी है अगर यूट्यूब चैनल पर वॉइस ओवर कर चुके हैं, सॉरी आप कोई टीच कर चुके हैं या फिर कोई वीडियोस बना चुके हैं तो वो यहाँ पे एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि कितने साल का है। नेक्स्ट है कि एडिशनल वॉइस एबिलिटीज़, के इसके अलावा जो आपने सैंपल सेंड किए हैं इसके अलावा आप किस तरह के वॉइस ओवर्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल गुस्से वाले कोई वॉइस ओवर कर सकते हैं या हैप्पीली या इस तरह के कुछ जो और एबिलिटीज़ हैं वो यहाँ आपने लिख देनी है और जस्ट आपने इसको सेव कर देना है तो ये सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे हम जाएंगे तो एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट नज़र आ रहा है। यहाँ आपका अगर कोई भी एक्सपीरियंस है वॉइस ओवर का तो यहाँ लिख सकते हैं वॉइस ओवर का, और कोई भी आपको ट्रेनिंग आपने ट्रेनिंग ली है तो वो भी लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ जस्ट कोई सा भी लिख दीजिएगा, 5 ईयर एक्सपीरियंस या 2 ईयर एक्सपीरियंस, कुछ भी। अब सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने इसको सेव कर देना है। अब हम देखेंगे पेमेंट मेथड कि हमें पेमेंट किस वे में चाहिए। पेमेंट एक्सेप्टेड पेमेंट मेथड, यहाँ आपने इस पेंसिल पर क्लिक करना है, इसका मतलब होता है एडिट, और यहाँ से आपने सेलेक्ट कर देने हैं, पेपाल तो बिल्कुल भी नहीं, ये जस्ट 3 आपने सेलेक्ट करने हैं और सेव कर देना है। आफ्टर सेविंग ये आपका सेव चेंज हो चुका है और यहाँ हमारी देखें 91% जो हमारी फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है और जस्ट व्यू चेक करना है आपने ऐसा क्या नहीं किया कि हमारी जो 100% कंप्लीट नहीं हुई। इसके लिए आपको व्यू चेक पर जाना है और यहाँ ये आपके पास अगेन ओपन हो जाएगा प्रोफाइल कंप्लीशन। यहाँ मैंने पिक इंसर्ट नहीं हुई थी मेरी, इसी वजह से ये कंप्लीशन नहीं हुई और बाकी यहाँ से जो मैसेजेस हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको किसने अप्रोच किया और कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको दिए करने के लिए, जो आगे देने वाला होगा वो यहाँ आपको मैसेजेस करेगा। यहाँ अब हमने जस्ट प्रोजेक्ट पर जाना है कि हमने अपनी प्रोफाइल के प्रोजेक्ट्स में कि हमने कितने बुकिंग्स की डिलीवर्ड के, यहाँ से हम सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं, बुकिंग्स वगैरह और डिलीवरी कितनी हुई, कितनी हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर्ड किए हैं ETC एंड देन नेक्स्ट है हमारा कि प्रोफाइल वही है प्रोफाइल जहाँ हमने अपने सेटिंग वगैरह की थी। तो इस तरह से कुछ हमारी जो प्रोफाइल है वो सब कुछ होगी। मेरी पिक यहाँ इंसर्ट नहीं हुई, आप पिक्स अपनी इंसर्ट कर सकते हैं
और यहाँ आपके जो आपने सैंपल प्लेलिस्ट का दिया था यहाँ पे वो शो होगा, और कोई भी उसे सुनेगा तो अगर उसको आपकी वॉइस अच्छी लगेगी तो वो आपको अपना प्रोजेक्ट देगा। और जस्ट आपने सिंपली होम में जाना है, यहाँ पे योर विजिबिलिटी है, मतलब आपको कितने लाइक्स मिले, कितने क्लाइंट्स ने पसंद किया, कितने ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे अपनी शो होंगी। योर रिसेंटली लाइक्ड प्रपोजल, क्लाइंट्स हु फेवरेट यू, तो इस तरह से ये सारी आप होम में ये सारी चीज़ें अपनी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ देख लेते हैं कि दूसरों ने किस तरह से ये किया हुआ है, तो यहाँ आप वॉइस सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करें, ये स्किल्स हर के पास मौजूद है, और कुछ नहीं तो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी में तो कर ही सकते हैं। सो स्टार्ट इट एंड अर्न योर इनकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।